गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर निकला नगर कीर्तन। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को मुख्य रखते हुए शहर में महानगर कीर्तन निकाला गया, जो गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा कोहाड़ा पीर से कुतुब खाना पंजाबी मार्केट से विलाइन होते हुए गुरुद्वारा चौकी चौराहा पर सम्पन्न हुआ। इस दौरान विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में संगत ने भंडारा ग्रहण किया। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। मैं कुलदीप सिंह पन्नू, सेंट्रल गुरुकुल कमेटी प्रधान, नगर कीर्तन गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश उत्सव में उपलक्ष्य में निकाला जा रहा है, जो सुबह 12 बजे कोहाड़ा पर गुरुद्वारे शुरू हुआ है और शाम को 4:30 बजे चौकी चौराहा गुरुद्वारा समाप्त होगा। ये पूरे मेरे शहर की भरपूर संगतें दूर दूर से बैंड बाजे अपने संगीत कलाकार दूर दूर से आए हुए हैं। चरती चरती कला में नगर कीर्तन मनाया जा रहा है। नगर नानमता साहब से बैंड आया हुआ है, बच्चे आए हुए नगर नानमता साहब से, रुद्रपुर से आया हुआ है अपने मास्टर जागीर जत्ते बाहर से आए हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रालियाँ गाड़ियाँ बाहर दूर दूर से आए हुए लगी हुई सब लगी हुई है। महाराज गुरु गोबिंद सिंह की हल्की हल्की वर्षा हो रही है। बहुत चरती कला में नगर कीर्तन निकल रहा है, भरपूर संगत है, गुरु मालिक पर भूल कृपा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्या उद्देश्य है, किस उपलक्ष्य में निकाला जा रहा है? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले बरेली की सारी समस्त गुरु नानक नाम लेवा संगत को गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी के पावन प्रकाश दिहाड़ा, जो कि 9 तारीख को आ रहा है, उसकी बहुत बहुत बधाई हो। तो उसी उपलक्ष्य में ये नगर कीर्तन गुरुद्वारा कोहाड़ा पीर से लेकर चौकी चौराहा तक निकाला जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि सभी लोगों में आपसी प्यार इत्तेफाक हो। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह तक, जो गुरु नानक देव जी ही उनकी जोत थी, उन्होंने यही संदेश दिया गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने कि परमात्मा भगवान वाहिगुरु गॉड अल्लाह जो भी कहो, उसके नेका नाम है हो सकते हैं, परमात्मा एक ही है। वो आप पर तभी कृपा करेगा, तभी खुश होगा जब आप सब मनुष्य जाति से प्रेम करोगे। उनके वचन हैं, माँ साच कहूँ सुन लियो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसने प्रभु से प्रेम किया है उसी को परमात्मा की प्राप्ति है। प्रभु का प्रेम करने का भाव मनुष्य जाति से प्रेम करने, जैसे हम छोटी सी उदाहरण देता हूँ, कोई ये कहे कि मुझे किसी का चित्र जो अच्छा नहीं लगता, चित्रकार अच्छा है, तो ये बातें दो अलग हो जाती हैं। अगर उसका चित्र वो चित्रकार पसंद है तो चित्र भी अच्छा होगा। ऐसे भगवान हमारा सबका सृजनहार है, ये दुनिया उसकी बनाई है, तो उसी से प्रेम करना और सभी में एक भगवान को देखना, यही इस नगर कीर्तन का उद्देश्य है। वाहेगुरु जी का खालसा।